चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और ठाड़ियों की खबरें। डूंगरपुर के आसपुर में बीती रात चोरों ने दो व्यापारियों की दुकानों के ताले तोड़े और दुकानों में नुकसान पहुंचाया। व्यापार मंडल अध्यक्ष कमलेश भूखिया ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सीकर के धोद में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए अब सरकारी स्कूलों में और बेहतर प्रयास होंगे। इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों में पौधारोपण किया जाएगा ताकि स्कूलों में वातावरण एवं पर्यावरण को शुद्ध बनाया जा सके। इसके अलावा स्कूलों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिले के सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं की तर्ज पर पढ़ाई होगी। जिस तरह से निजी शिक्षण संस्थाओं में व्यवस्थित ढंग से सारे काम होते हैं, उसी तर्ज पर सीकर के सरकारी स्कूलों में भी व्यवस्थित रूप से काम किए जाएंगे। झुंझुनू की नवलगढ़ पंचायत समिति में दो महीने बाद भी सीवरेज का मामला शांत नहीं हुआ। जेएलबी ने दो माह बाद बोर्ड की बैठक को निरस्त किया। जेएलबी ने इस मामले की जांच के लिए पुलिस दखल के आदेश दिए। भरतपुर के नदवई कस्बे में देर शाम को जमकर बारिश होने से किसानों और भाइयों के मुरझाए चेहरों पर खुशी की रौनक दिखाई दी है। जमकर हुई बारिश से फसलों में जान आ गई है, वहीं फसल पानी से लबालब हो गई। हनुमानगढ़ की भादरा पंचायत समिति के गांव भोजासर में गौरव पथ योजना के तहत बनी सड़क परेशानी की वजह बनी है। एक वर्ष पूरा होने के बाद भी सड़क के दोनों तरफ खड़वंजा लगवाने का काम पूरा नहीं हुआ, इससे दोनों तरफ कीचड़ भरा रहता है। हनुमानगढ़ की रावतसर पंचायत समिति के खोड़ा तिराहा से 91RD जाने वाला मुख्य रास्ता जीर्ण हालत में होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। इस सड़क पर कई हादसे हो चुके हैं लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे के गांव बालासर के ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन देकर गांव चिड़ियासर से बालासर की जीर्ण सड़क को सही करवाने की मांग की। आपको बता दें कि करीब 5 किलोमीटर की सड़क जर्जर हो चुकी है। सीकर के लोसल में दातारामगढ़ में रात 10 बजे बाद डीजे बजाने के लिए पुलिस ने दातारामगढ़ वालों को पाबंद किया था, लेकिन दूसरे गांव के लोग आकर यहां डीजे बजा रहे हैं, वहीं पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। टोंक के देवली में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 2 घंटे से बारिश जारी है, कई इलाके जलमग्न हो गए। निचली बस्तियों में पानी भर गया, करीब आधा दर्जन कॉलोनियों में पानी घुस गया है। कोटा के इटावा में पार्वती नदी उफान पर है। कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे 70 ठप हो गया। खातोली पुलिया पर 2 फीट पानी की चादर चल रही है। इधर चंबल नदी की झरीर पुलिया पर भी पानी आ गया है। अजमेर के पीसांगन में ग्राम पंचायत पगारा में यातायात सुविधा नहीं है। लोग निजी वाहनों से यात्रा करने को मजबूर हैं और मनमाने दाम वसूल रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं। दौसा के महवा में बाइक चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। आए दिन दहाड़े बाइक चोरी होने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अजमेर के मसूदा कस्बे में चोरों के हौसले फिर बुलंद लग रहे हैं। बकरियां चुराने आए चोर चोरी करने में नाकाम रहे। ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर बांध दिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। चूरू के सरदार शहर कस्बे में स्थित सब्जी मंडी रघुनाथ मंदिर शिवालय में भगवान शिव का फूलों से श्रृंगार कर अभिषेक किया गया। आचार्य पंडित मधुसूदन कौशिक के सानिध्य में अभिषेक हुआ। धौलपुर की राजाखेड़ा पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक ही पारी में संचालित हो रहे हैं। अस्पताल शाम को नहीं खुलता, उच्च अधिकारी जानकर भी अनजान बने हैं। पाली के सुमेरपुर में खराब मौसम के कारण सीएम वसुंधरा राजे 15 मिनट चुकी थी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के तहत सिंक्रस सरोवर में उगकार 5 करोड़ की लागत से बने टाउन हॉल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने भी सरोवर में हुए कार्यों की जानकारी दी। इसके बाद तखतगढ़ रोड पर 5 करोड़ की लागत से बन रहे टाउन हॉल का निरीक्षण किया और सुमेरपुर में हो रहे विकास कार्यों की तारीफ की। निरीक्षण के दौरान राठौड़ ने पोमावा पुल से जालौर चौराहे होते हुए जाखा नगर स्वागत द्वार तक डबल रोड बनवाने की मांग की, जिस पर सीएम ने उन्हें आश्वस्त कर प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजने के लिए कहा। भीलवाड़ा के सहाड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस की गुटबाजी उजागर हुई है। डॉक्टर सीपी जोशी के जन्म दिवस पर यह फूट सामने आई। आज सभी अखबारों में डॉक्टर जोशी के विज्ञापन छपे हैं, लेकिन इस विज्ञापन में पूर्व विधायक कैलाश त्रिवेदी का फोटो और नाम नहीं है। वहीं ये बात सामने आई है कि त्रिवेदी विरोधी गुट ने विज्ञापन में नाम फोटो नहीं छपने दिया। उदयपुर जिले के जलारा पंचायत समिति क्षेत्र में पिछले 3 दिन से हुई तेज बरसात के बाद नदी नाले उफान पर बहने लगे हैं। वहीं जलाशय में पानी की अच्छी आवक हुई है। बरसात से क्षेत्र के सालपुरा गांव को जाने वाले रास्ते पर बना पुल पर पानी आने से गांव का संपर्क टूट गया। इसी प्रकार उड़ा गांव का पुल भी पानी के तेज बहाव से बहने लगा। पानी की आवक से सिंगापुर व काजवाड़ा गांव में बने पानी के तालाब टूट गए, जिससे इनमें भरा पानी खेतों में बह निकला। खेतों में बोई फसल पूरी तरह से चौपट हो गई, वहीं किसानों को इससे खासा नुकसान हुआ है। बूंदी के कापरेन में प्रशासन की ओर से गुरुवार को आयोजित भामाशाह सुविधा एवं समाधान शिविर में आए लोगों को उपहास का पात्र बनाना पड़ा। अधिकारियों और कर्मचारियों के जवाब भी अटपटे रहे।
जिला राजस्व विभाग की लापरवाही के शिकार बने लोगों को राशन कार्डो की अशुद्धियों को सुधरवाने के लिए भटकना पड़ा। अंत में जवाब मिला कि ये तो ई मित्र केंद्र वाले करेंगे। जिला राजस्व विभाग की बनाए गए राशन कार्डो में भारी अशुद्धियां रहने से लोगों को राशन की गेहूं नहीं मिल रही। भामाशाह सुविधा एवं समाधान शिविर का नाम शिविर में सार्थक नहीं लगा। दो वर्ष पहले बनाए भामाशाह अभी तक नहीं मिलने से गरीबों को परेशानी उठानी पड़ रही। श्रीगंगानगर की सादर शहर पंचायत समिति में श्रावणी तीज मेला 5 अगस्त को व्यापार मंडल पैलेस में आयोजित होगा। श्री श्याम मित्र मंडल समिति के तत्वाधान में ये मेला आयोजित होगा। मेले में महिलाओं के लिए झूले और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। मेले में केवल महिलाओं और बच्चों का प्रवेश होगा। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति के बैरा गांव स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बरसाती पानी भरने से स्कूल में बालिकाओं को पढ़ाई करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के स्टाफ ने बताया कि पानी की उचित निकासी नहीं होने के कारण स्कूल ग्राउंड में पानी भर गया। कुवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित धारणी महादेव मंदिर में सावन में श्रद्धालुओं के बीच पुलिस की व्यवस्था नहीं होने के कारण महिला श्रद्धालुओं की चैन छीनने की घटना आए दिन हो रही है, मगर पुलिस व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों में आक्रोश है। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे के नगर पालिका परिसर में 2 दिवसीय भामाशाह सुविधा शिविर का समापन हुआ। शिविर में 51 आधार कार्ड बनाए गए तथा 4 को अपडेट किया गया। 62 महिलाओं का भामाशाह नामांकन हुआ। 10 लोगों को रुकी पेंशन की कमियों को दूर किया गया। 284 भामाशाह कार्ड का वितरण किया गया तथा 33 एडिटेंट किए गए। 18 राशन कार्ड का सीडिंग किया गया। करौली के नादोती में पिछले दिनों क्षेत्र में भारी वर्षा की वजह से कई गांवों में अभी तक पानी भरा हुआ है। इससे त्रस्त बाड़ा बाजीतपुर के ग्रामीणों ने बारिश के पानी को निकलवाने की गुहार की। भरतपुर के पहाड़ी में बाइक सवार ने राहगीरों को टक्कर मार दी। 3 लोग घायल हो गए। घायलों को सीकरी सीएससी पहुंचाया गया। वहीं पहाड़ी गोपालगढ़ मार्ग की यह घटना है। झालावाड़ के मनोहर थाना में सुभाष चौक स्थित बीएसएनएल के पुराने टॉवर को हटवाया गया। 3 पाइप के सहारे ही टॉवर खड़ा था। 2 पाइप सतह से खराब हो गए थे, इस कारण हादसे की आशंका बनी रहती थी। अलवर के तिजारा में कांवड़ियों का आगमन शुरू होते ही भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। थाना प्रभारी हेमराज सिंह कांवड़ियों की सुरक्षा पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। वहीं शिविर का दौरा किया जा रहा है। जालौर के चितलवाना में NH-15 पर सिवाड़ा सरहद पर कल देर शाम बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत व आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जालौर के आहौर में क्षेत्र के तुम्बा गांव से चांदराई गांव जाने वाला सड़क मार्ग बरसाती पानी के भराव से अवरुद्ध हो जाता है। अवगत कराने के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जालौर के जसवंतपुरा में रामसिंह ग्राम पंचायत के मोहल्लों में गंदगी पसरी है। नालियां भी कचरे से अटी पड़ी हैं। ग्राम पंचायत प्रशासन को भी ग्रामीणों की चिंता नहीं। जालौर के रानीवाड़ा कस्बे में स्थित एसबीबी बैंक में सुविधाओं की कमी है। लोगों को रुपयों के लेन देन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। अजमेर के बिनाई में पिछले 24 घंटे में 4 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते क्षेत्र के तालाबों में पानी की आवक शुरू हो गई। जगह जगह पानी और कीचड़ फैलने से आमजन को आवागमन में परेशानी हुई। टॉप के उनियारा कस्बे में तेज बारिश से पानी भर गया। पुलिस थाना, एसडीएम आवास और स्कूल परिसर लबालब हो गया। सुबह से बिजली भी गुल रही, जिससे कर्मचारियों को दिक्कतें आ रही हैं। झालावाड़ के पिड़ावा में अज्ञात चोरों ने गुमची का ताला तोड़कर लाखों रुपए के टायर चोरी कर लिए। ये मेला मैदान की घटना है। पिड़ावा पुलिस इस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। भरतपुर के वैर में गैस एजेंसी संचालक की मनमर्जी से अब होम डिलीवरी चार्ज भी वसूला जा रहा है। अफसर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंडियन गैस एजेंसी का मामला है। झुंझुनू के बड़ा गांव में ग्राम पंचायत छऊ में बालाजी पुलिस चौकी के सामने खुला कुआं हादसों को न्यौता दे रहा है। पंचायत प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बाद भी कुएं पर जाल नहीं लगवाया गया। सवाईमाधोपुर के खंडार में बाघ के हमले से छान गांव निवासी हनुमान गुर्जर घायल हो गया। बेरना गांव के खेतों में गायों को चराते वक्त बाघ ने उस पर हमला किया। युवक को घायल अवस्था में सवाईमाधोपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाड़मेर के गुडामालानी में पंचायती राज उपचुनाव में पंचायत समिति की वार्ड संख्या 15 पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पूरा जोर लगा रहे हैं, तो वहीं नेता भाजपा सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जमुना मेघवाल के समर्थन में प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष हीरा लाल विश्नोई ने धानलावास गांव में सभा को संबोधित किया। विश्नोई ने कहा कि भाजपा ने जनता के साथ नौकरियों के नाम पर धोखा किया है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।